अरे बच्चों, मैंने आज रिकॉर्डिंग नहीं किया। सो गाइस, ये हुआ टॉल, ये है शॉर्ट। दोनों के बीच में हम लोग कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। टॉल प्लांट को मैंने कहा फीमेल, शॉर्ट प्लांट को मैंने कहा मेल। तो फीमेल फ्लावर बनाने के लिए, फीमेल प्लांट बनाने के लिए मैंने किया इमैस्कुलेशन प्रोसेस। उसके बाद में मैंने किया बैगिंग। अभी ये है पेरेंट्स, पेरेंट्स का जीनोटाइप ये हुआ फेनोटाइप। जीनोटाइप क्या है बच्चों? जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर मैंने निकाले बच्चों इसके गैमेट्स, गैमेट्स, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है। और व्हाट आई विल डू हियर, आई विल शो यू हियर आल्सो। ये मेरे पास है, डायरेक्टली बुक में से आपको रेफर कर दूंगी, ठीक है। सो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे, चलो चलते हैं। हाँ, सो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिनोटाइप, फिनोटाइप कैसा है? टॉल एंड वार्फ, वार्फ या शॉर्ट, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। जीनोटाइप कैसा है? मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूट, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी। बच्चों ड्वार्फ में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें से एक गमिट निकला कैपिटल टी, इसमें से दूसरा गमिट निकला स्मॉल टी। बच्चों अभी इन लोगों का क्रॉसिंग हुआ तो फर्स्ट एफ वन जनरेशन मिली, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसे मैंने क्या कहा? कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी जनरेशन कैसी है बच्चों? टॉल। क्यों टॉल है बच्चों? बिकॉज इसमें कैपिटल टी है, कैपिटल टी है मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है। बच्चों हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को हाइड करता है, सो ये प्लांट बन गया बच्चों टॉल, बट इसमें स्मॉल टी वाला जीन है, ठीक है। फिर क्या करेंगे ना बच्चों, हमने देखना है कि चलो देखते हैं, मेरे पास में कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट है जिसका जीनोटाइप ऐसा है, ऐसे ही इसका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। मतलब मेरे पास में अभी दो टॉल प्लांट्स आएंगे, है ना बच्चों? सोचते हैं कि इसका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, दोनों के बीच में सेल्फिंग किया, सेल्फिंग ऑफ एफ वन जनरेशन। तो ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है बच्चों, बट अभी इनका जीनोटाइप अलग है। यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चों क्वेश्चन है कि इसके गमेट्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे गमेट्स कैसा बना? कैपिटल टी। यहाँ पे गमेट्स कैसा बना? स्मॉल टी। बट यहाँ पे गमेट्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे गमेट्स बनेंगे बच्चों, यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दो गमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। तो देखो इस गमेट्स जो मुझे यहाँ पे बने, इन गमेट्स को मैंने ऐसे चेकर बोर्ड में लिख दिया। ये है चेकर बोर्ड, इसको पहली बार डिस्कवर किया है साइंटिस्ट पुनेट, इसलिए इसको पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। सोच के चल रहे ये दो गमेट्स है, ये मेल के है और ये है फीमेल प्लांट्स के। और फिर मैंने क्या करना है? फिर मैंने देखना है ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये कैपिटल टी फिर स्मॉल टी के साथ में जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी अभी स्मॉल टी के साथ में जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी के साथ में जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप मुझे देख के बताओ बच्चों, अभी ये एफ टू जनरेशन मिली, मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन मिली, और इस सेकेंड फिलियल जनरेशन में आपको कितने टोटल टॉल प्लांट्स मिले बच्चों? ये कैपिटल टी है मतलब ये टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है मतलब ये भी टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टॉल, मतलब तीन टॉल प्लांट्स मिले हैं बच्चों आपको, तीन टॉल प्लांट्स, एब्सोल्युटली टॉल प्लांट्स मिले थी। और ये स्मॉल टी मतलब ये ड्वार्फ प्लांट मिला, मतलब आउट ऑफ फोर तीन टॉल प्लांट्स मिले और एक कैसा प्लांट मिला? एक प्लांट मिला बच्चों शॉर्ट, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों इसमें से कैपिटल टी, ये चार प्लांट्स में से दो प्लांट्स जो है, ये दो, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट, ये हाइब्रिड है, हेटरोजाइगस है। और ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट, ये कैसा है बच्चों? होमोजाइगस फॉर दिस कैरेक्टर। ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए है, ये होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर्स के लिए। फिर से एक बार बना के देखते हैं सो आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो फिर से गलत हो। और मैं बता रही हूं, ये नहीं समझेगा आप लोगों को तो पूरा यूनिट आप डूब, पूरा यूनिट डूब जाएगा आप लोगों का, मैं बता रही हूँ, है ना। तो ये अच्छे से समझना चाहिए, आगे सिर्फ इसका यूज है। सो पी मतलब पेरेंट, ठीक है, ये लिखते आना चाहिए, फटाफट समझ में आना चाहिए। पी पेरेंट्स,
पेरेंट्स का पहले लिखोगे बच्चों फेनोटाइप, ऐसे ही लिखने का हमेशा। तो गाइस एक टॉल है और क्रॉस हो रहा है शॉर्ट के साथ में। फिर लिखोगे बच्चों आप जीनोटाइप, ये प्योर है गाइस, सो कैपिटल टी क्रॉसेस विद अ स्मॉल टी गाइस। फिर निकालना है बच्चों हमने गमिट्स, गमिट्स को हमेशा सर्कल करना है, दोनों कॉमन है तो इन दोनों में से कॉमन वाला निकालेंगे दैट इज टी, ये दोनों कॉमन है तो इसमें से कॉमन वाला निकालेंगे दैट इज स्मॉल टी, ठीक है क्लियर। गमिट्स हो गए बच्चों, अभी सेल्फिंग करेंगे इन दोनों का। तो हमारे पास में नया प्लांट मिल गया हम लोगों को, ये प्लांट कैसा है मतलब मुझे F1 जनरेशन मिली, कैसी है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये प्लांट कैसा है हाइब्रिड और कैसा टॉल। फिर नेक्स्ट स्टेप किया हमने सेल्फिंग, सेम प्लांट में सेल्फिंग किया, सेल्फिंग किया तो क्या हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये लिया मैंने अभी पेरेंट्स, अभी पेरेंट्स कैसे है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैसे ये भी टॉल है बच्चों, ये भी टॉल है, दोनों टॉल है, ठीक है दोनों टॉल है बच्चों। और इसके गमिट्स कैसे है, इसके दो गमिट्स निकलेंगे अभी क्योंकि दोनों अलग है। और मेंडल का ये कहना था कि गमिट्स हमेशा सेपरेटली सेग्रीगेट होते हैं, मतलब गमिट्स हमेशा अपने अपने सेपरेट होते हैं, वो गमिट्स कभी भी मिक्स नहीं होते, इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमिट्स जो मेंडल ने दिया है दुनिया को। गमिट्स कभी भी मिक्स नहीं होते, गमिट्स हमेशा सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते, सेग्रीगेट होना मतलब सेपरेट होना। सो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी सेम थिंग है कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चों अभी मुझे देखना है कि F2 जनरेशन कैसे आएंगी, तो मुझे F2 जनरेशन को देखना है तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पे एक ऐसा चेकर बोर्ड बनाऊंगी। ये चेकर बोर्ड जो है बच्चों, इसको पहली बार पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पुनेट स्क्वायर, इसे ना बच्चों पुनेट स्क्वायर कहोगे आप लोग, ठीक है। तो एक तो मेल है, सोच के चल रहा है ये मेल है, दूसरा फीमेल है, ऐसे सोच के चलते हैं, मतलब हम उसको ऐसे बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन बच्चों, क्लियर। सो एक मेल दूसरा फीमेल, ये कैपिटल टी यहाँ लिख दिया, ये स्मॉल टी यहाँ लिख दिया, फॉर डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। सो ये दोनों प्लांट के पहले कैपिटल टी एक कैपिटल टी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला स्मॉल टी मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, है ना। तो आप देखना बच्चों पहले इसके साथ में ये वाला जाएगा, ये स्मॉल टी यहाँ पहले से ही है, यहां से आएगा ये कैपिटल टी, लेट्स गो कैपिटल टी आ गया बच्चों। फिर चलेंगे इसके बाद में, अभी यहाँ पे कैपिटल टी और दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल टी and this is going to be a small t, ठीक है, ये actually should be black. So देखो इस तरह से दोनों parents के character mix हो गए और मुझे दो plants मिले. So मैंने इसको कहा tall plant, मैंने इसको कहा tall plant, इसको भी कहा tall plant. So मुझे total कितने tall plant मिले, तीन. So tallness ये कौन सा ratio है, phenotype. So, phenotypic ratio हुआ इसमें, phenotypic ratio हुआ 3:1, मतलब out of 4, 3 are tall and 1 is short, ठीक है, so it is 3:1. And but इसका genotypic ratio कैसा है, genotypic ratio का मतलब होता है इसका genotype कैसा है भाई, genotype सब अलग अलग है, एक तो आया है कैपिटल टी, एक आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा जीनोटाइप आया है स्मॉल टी गाइस। सो मैं क्या करूंगी, ये वन मिला है कैपिटल टी ऐसे दो प्लांट्स मिले हैं और ये वन, सो आउट ऑफ 4 जीनोटिपिक रेशियो मुझे मिला 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो मिला 3:1। सो बच्चों यहाँ पे मेंडल ने ये जो क्रॉस किया था, ये क्रॉस किया था बाय टेकिंग अ सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया है वो है हाइट, ऐसे उसने सीड कलर सीड शेप हर एक कैरेक्टर 7 कैरेक्टर्स के लिए
ऐसा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और उसने हर एक कैरेक्टर्स के लिए इस तरह से क्रॉस बनाया अप टू F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन तक के भी हो गया, बट हमें स्टडीज के लिए नहीं है। सो बच्चों, मेंडल ने बच्चों बाय टेकिंग अ सिंगल कैरेक्टर, फॉर अ सिंगल कैरेक्टर जो क्रॉस किया, उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सा कैरेक्टर लिया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने सिंगल कैरेक्टर लिया है, जैसे कि यह हाइट, हाइट की जगह पे वो पोजीशन ऑफ द फ्लावर भी ले सकता है, आउट ऑफ 7 कोई भी कैरेक्टर ले सकता है। सो ही हैज टेकन अ हाइट एज एन कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर्स लेके जब मेंडल ने क्रॉस किया, उसे आप कहोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और उसको क्या रिजल्ट मिला गाइस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो जब भी लेगा, उसमें फिनोटिपिक रेशियो is always going to be a 3:1 and the genotypic ratio is always going to be a 1:2:1. isme se 1 hamesha homozygous dominant rahega aur ek 1 plant hamesha homozygous recessive rahega and the 2 plants are going to be a hybrid ya heterozygous having a mixed kind of a character, you understand? So isme monohybrid cross kyu itna important hai? Because isme mendel ne do laws ko define kiya, ek law प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स कभी भी सेपरेट होते हैं, मिक्स नहीं होते, क्योंकि ना जैसे देखो यहाँ पे टॉलनेस और शॉर्टनेस ये मिक्स नहीं हुए बच्चों, ये सेग्रीगेट हुए, सेपरेट हुए। कहीं पे भी उसको ऐसा प्लांट नहीं मिला जिसकी मीडियम हाइट हो, एक तो उसको टॉल प्लांट मिला नहीं तो उसको शॉर्ट प्लांट मिला, बट कहीं पे भी ऐसा प्लांट नहीं मिला जो मीडियम हाइट का, मतलब कैरेक्टर मिक्स नहीं हुए बच्चों यहाँ पे। तो गैमेट्स हमेशा प्योर होते हैं, वो कभी भी मिक्स नहीं होते। सो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स दिया मेंडल ने बाय यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये यूनिवर्सल लॉ है बच्चों, इसको कोई एक्सेप्शन नहीं। दूसरा मोनोहाइब्रिड ये जो क्रॉस करके मेंडल ने दूसरा दुनिया को लॉ दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बच्चों यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। कहीं कभी ऐसा भी देखा गया है कि रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे डोमिनेंट कैरेक्टर होके भी, पाइसम पर पाइसम सेटाइवम प्लांट में नहीं, पर दुनिया के और कहीं प्लांट्स में, ठीक है? सो या कुछ एनिमल्स में भी ऐसा दिया है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मिले हैं, ठीक है? सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमें मेंडल्स ने दिया है। सो ये क्रॉस हम देख के, हम हमारे बुक में जो भी जितनी भी हमारे पास में डेफिनेशंस है वो अभी आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। सो देखो, लेट्स चलते हैं वन बाय वन। 4 मिनट के बाद में आपका इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होने वाला है। सो पहला डोमिनेंट, डोमिनेंट को पढ़ लेते हैं गाइस, और घर जाके आज इसकी प्रैक्टिस करना है बच्चों आप लोगों को, है ना? ये 10 बार लिख के देखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी, कैसे गैमेट्स निकाले, जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ दैट। डोमिनेंट, इट इज एन एलील दैट एक्सप्रेस इट स्प्रेड्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव एलील्स। या मैं एक काम करती हूँ, इसको आपको कल समझा देती हूँ, बट जो मैंने आप लोगों को ये इस तरह से थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया, ये समझा क्या बच्चों आपको? से यस नो, से यस नो। ये जो मैंने थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया और उसको पढ़ाया भी। डू यू ऑल अंडरस्टैंड गाइस? निशान, पीयूष समझ में आया? समीक्षा, शांभवी, चिन्मय समझ में आया? मंजरी को भी, वैष्णवी, आदिति, सनियो, प्रेषिता, अंशुषा, अल्पिका, यस ना बच्चों? वेरी गुड। सो अभी एक काम करो बच्चों, इसको फिलअप करो तो जरा पता तो चले तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो यहाँ पे बनाया है ऐसा बना के देखो बुक में और ट्राई टू फिल इट। चलो कौन कर लेगा? चलो वीडियोस ऑन करो बच्चों फटाक से, बिकॉज हमारे पास में 2 ही मिनट बचे हैं। एक तो आप अभी कर सकते हो या इसको एक बार लर्न कर लो। 2 मिनट्स बहुत हो जाते हैं बच्चों, जल्दी से आप कर सकते हो। कम ऑन, गो हेड एंड फिनिश इट अप।
ओके बच्चों, चलो अभी इट्स 8 o'clock हो गया है बच्चों, आपका क्लास हो गया इसके बाद में, इज इट? कल मिलते हैं, आज आपकी टेस्ट है। चलो आप लोगों ने किया है, आई कैन सी दैट। संयोग, चिन्मय, शंभवी दिख रहा है मुझे, कुछ बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट किया है इसे। घर पे प्रैक्टिस करो बच्चों, वैष्णवी ने भी किया है, ठीक है, जस्ट ट्राइड आउट एट योर होम। ओके, आई कैन सी दैट वन कौसर, सो घर पे ट्राई करो बच्चों। ओके, सो थैंक यू बच्चों। ओके चलो, वेरी गुड, आई कैन सी दैट वन चिन्मय कौसर। ओके बच्चों, गुड, चलो आज के लिए इतना ही, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कल मिलते हैं।